संस्कार कैसे बनते हैं? कोई परिस्थिति आई, किसी के जीवन में कुछ हुआ, कोई रिश्तों में किसी ने किसी को धोखा दिया, कुछ 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 हुआ, सीडी पर वो गाना रिकॉर्ड हो गया ना। हाउ ओल्ड आर यू? 42। अब हर एक अपनी एज देखो, हाउ ओल्ड एम आई? 30, 40, 50। ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? ये 40, 50 किसकी एज है? ये प्लेयर की एज है। हाउ ओल्ड एम आई? हाउ ओल्ड आर यू? वी डोंट नो। तो आज से 42 अपनी एज नहीं बोलना। जैसे हम ये ड्रेस पहनते हैं, इसकी एक एज होती है कि ये एक महीना पुराना है, एक साल पुराना है, ये वैसे ही हम एक और ड्रेस पहनते हैं, उसकी भी एक एज होती है। लेकिन मेरी एज क्या है? ये तो मेरी ड्रेस है ना, ये तो मेरा शरीर है ना, ये तो मेरा कॉस्ट्यूम है। मेरी एज क्या है? 40 साल से मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है। उससे पहले हम कहाँ थे? एक और ड्रेस में। तो 100 साल एक और ड्रेस में, उससे पहले 100 साल एक और ड्रेस में, उससे पहले 100 साल एक और ड्रेस में। बताएं कितनी सारी ड्रेस बदली, 1000, 2000, 5000 साल से तो चल ही रहा है। अब सोचो एक 40 साल में कितने संस्कार बनते हैं। तो उससे पहले 100, उससे पहले 100, उससे पहले 100, उससे पहले 100, आत्मा पर कितने सारे संस्कार होंगे? दिख रहे? सो इट्स लाइक अ सीडी जिस पर बहुत सारे गाने हैं। एक दिन क्या हुआ, 2 सीडी की शादी हुई। अभी देख लेना अपने साथ वाली सीडी को। और हमने उनको कहा, आप ऐसे कैसे हो सकते हो? उन्होंने कहा, आप ऐसे कैसे हो सकते हो? हमने सोचा उनके ऊपर कौन से गाने होंगे जो हमें सही लगते हैं। फिर हमने सोचा चलो नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने वाला गाना कॉपी कर देंगे उनकी वाली सीडी क्यों। और उन्होंने भी यही सोचा कि मैं अपना वाला गाना इनकी सीडी पर कॉपी कर दूंगा। तो हमने चेंज करना शुरू किया उनको कि ये आपके अंदर ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बन जाओ, आप ऐसे बन जाओ। सामने वाले ने कहा, आप बन जाओ ना, मेरे पे इतनी जो मेहनत कर रहे हो, खुद ही चेंज हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे घर में। तो हमने सोचा हम अपना संस्कार उस पर कॉपी करेंगे। ये सब बातों में छोटी छोटी गांठें आने लगी। ये चल ही रहा था तो 2-3 साल के बाद हमारे घर में एक तीसरी सीढ़ी आई ना, तीसरी सीढ़ी। अब वो 9 महीने हम सोच रहे थे कि ब्लैंक सीढ़ी आएगी, और हमने सब आपस में बैठ के डिसाइड करते थे कि उस ब्लैंक सीडी पे हम कौन से संस्कार लिखेंगे। लेकिन जब वो सीडी आई तो वो सीडी तो भरी हुई आई, वो सीडी ब्लैंक तो आई नहीं। कुछ गाने उसके पेरेंट्स के गानों के साथ मैच करते थे, लेकिन बाकी सारे गाने तो वो बच्चा पिछली बार से लेकर आया। कई संस्कार तो हमारे से इतने अलग लगते थे कि कई बार पेरेंट कहते, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल ही अलग है मेरे से। होता है कि नहीं होता? 2 बच्चे अगर हैं, वो कितने अलग हैं एक दूसरे से? कभी हमने सोचा सेम पेरेंट, सेम फैमिली, सेम स्कूल, सेम एनवायरनमेंट, 2 बच्चों को हमने सब कुछ सेम दिया, वो 2 बच्चे इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि उनका सिर्फ प्रेजेंट अलग है, सेम है, उनका पास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा बच्चा, ये मेरा स्पाउस, ऐसे नहीं देखना सबको, फिर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सोल ऑन अ जर्नी, ये भी सोल ऑन अ जर्नी। ये इन सालों के लिए मेरे साथ, इससे पहले कहाँ थे पता नहीं, इसके बाद कहाँ होंगे कहीं और। ये इतना हमारा इकट्ठा है सिर्फ। अब इस जो इतना समय है 100 साल का, जब हम इकट्ठे हैं, तो हमें एक दूसरे के संस्कारों को रिजेक्ट नहीं करना, एक दूसरे के संस्कारों को समझना कि इस आत्मा के साथ कभी ना कभी कुछ हुआ होगा ना, तब उसके पास ये वाला संस्कार है। अब मेरा रोल एज फैमिली क्या है? उसको एक नया संस्कार क्रिएट करने में सहयोग देना। लेकिन नया संस्कार क्रिएट करने के लिए पहले मुझे उसको प्यार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, शक्ति देनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे उसको प्रेजेंट संस्कार को क्रिटिसाइज कर रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है।
कोई गलत संस्कार लेकर आया है और हम उसकी निंदा करके करके उसका मजाक उड़ा उड़ा के उसके वो संस्कार को क्या कर देते हैं। कुछ बच्चों को पानी से डर लगता है, कुछ बच्चों को हाइट से डर लगता है, कुछ बच्चों को किसी जानवर से डर लगता है। छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट को समझ ही नहीं आता इसको डर क्यों लगता है, और पेरेंट उसको क्या बोलने लग जाता है, तुम बड़े डरपोक हो। और एक बार पेरेंट ने बोल दिया तुम डरपोक हो, आसपास के लोग भी बोलने शुरू कर देते हैं तुम डरपोक हो। फिर वो बच्चा स्कूल गया, फ्रेंड्स ने कहा बड़ा डरपोक है, फिर लोगों ने क्या किया, मजाक भी उड़ाया, निंदा भी की। उसके पास ऑलरेडी डर का संस्कार था, क्यों था, कभी ना कभी कुछ हुआ होगा, लेकिन उसका मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की, तो उसका वो डर का संस्कार क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और क्या किया, उसको दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर किया, उनको देखो वो कोई डरते हैं, तुम डरते हो। कभी भी कोई दो लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसका पास्ट और इसका पास्ट बिल्कुल अलग है। सपोज वो आत्मा, वो सोल पिछले कॉस्ट्यूम में एक फ्लड में शरीर छोड़ा, फ्लड आया, उसके पूरे शहर में पानी पानी हो गया, उसका घर उसमें चला गया, उसके बच्चे उसके हाथ से उस टाइम खिसकते हुए बह गए, वो खत्म हो रहा था उसमें सब कुछ, और उस क्षण में उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो वो आत्मा के साथ पानी इज इक्वल टू पेन, पानी इज इक्वल टू लॉस, पानी इज इक्वल टू फियर, ये इम्प्रिंट हो गया। वो आत्मा नए कॉस्ट्यूम में आई, सब कुछ बाहर परफेक्ट है, लेकिन वो इम्प्रिंट तो है ना, पानी इज इक्वल टू पेन, पानी इज इक्वल टू लॉस। अब उसको ये नहीं पता कि उसने क्या देखा था, लेकिन उसके लिए इस टाइम सिर्फ पानी इज इक्वल टू पेन। ये हमें कंपैशन समझना होगा, और फिर समझकर ऐसा नहीं कि वो जीवन भर पानी से डरता रहे, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको अनुभव कराना पड़ेगा कि पानी इज इक्वल टू फन, पानी इज इक्वल टू कम्फर्ट। लेकिन वो तब होगा जब हम उसके पानी इज इक्वल टू पेन के संस्कार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब हम उसको एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद करेंगे। अब पानी से डर तो समझ में आता है, लेकिन किसी को विश्वास करने से डर लगे, कोई लोगों पे शक करे, ये भी इसीलिए हुआ था क्योंकि पिछली बार उसके साथ जब उसने विश्वास किया था तो कुछ बहुत 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 नुकसान हो गया, तो उसके यहाँ क्या रिकॉर्ड हो गया, विश्वास इज इक्वल टू पेन। अब वो वाला संस्कार वो लेकर आ गया, अब वो आज हमारा स्पाउस है, हमारा कलीग है, वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता और हमें बुरा लग जाता है। अब कहते तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, मैं तो सब कुछ सही किया। वो मुझ पे ट्रस्ट करते नहीं, वो उनके ऊपर ट्रस्ट के संस्कार से पेन जुड़ा है। लेकिन जब हमें ये बुरा लग जाता है तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तो हम ही रोने लग जाते हैं। जब हम ही रोने लग जाते हैं तो हम भी गए दर्द में, और उनका वो संस्कार क्या हो गया, और दर्द। तो हर एक को जब आज देखेंगे ना सारा दिन, ये होमवर्क करना है हमने आज सारा दिन, तो अपने नजरिए को थोड़ा सा चेंज करना है। ये कौन है, सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, अलग अलग सीन्स, अलग अलग रिकॉर्डिंग, अलग अलग संस्कार। उनका संस्कार गलत नहीं है, उनका संस्कार मेरे संस्कार से अलग है। किसी को भी गलत नहीं बोलना, वो मेरे संस्कार से अलग है। एंड हमारा अफर्मेशन, हमारा मंत्र क्या है, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। हम उनको वो जैसे हैं स्वीकार कर, स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि हम उनको चेंज करने में हेल्प नहीं करेंगे, स्वीकार करना मतलब उस संस्कार को देखकर यहाँ पर कोई इरिटेशन, कोई डिस्टर्बेंस, कोई क्वेश्चन मार्क, निंदा, ये सब नहीं होगा। हमारा मन उनके संस्कार को देखते हुए स्थिर।